अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। मिस्टर रतन टाटा टाटा मोटर्स के मालिक हैं, भारत के ही रहने वाले हैं और भारत से दिल से जुड़े हुए हैं। इस देश का नागरिक होने के नाते इस देश के लिए, देश की जनता के लिए जो बन पड़े वो हमेशा ही ये करते हैं। इस देश में फोर व्हीलर्स खरीदने वालों से कहीं ज़्यादा संख्या टू व्हीलर्स खरीदने वालों की है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि 4 से 6 मेंबर्स की फैमिली एक टू व्हीलर पर जा रही होती है। 2-3 बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और सब एक ही गाड़ी के ऊपर बैठे होते हैं। फिर चाहे तेज धूप हो, आंधी तूफान हो, बारिश हो रही हो, रोड हो या कच्ची रोड हो, कीचड़ हो या सब कुछ सही हो, एक ही गाड़ी पर इतने सारे लोग सवार होकर अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालकर ट्रैवल कर रहे होते हैं। रतन जी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि इसी तरह के लोगों को ट्रैवल करते हुए देखकर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी गाड़ी लॉन्च की जाए जो टू व्हीलर खरीदने वालों के लिए अफोर्डेबल हो। एक ऐसी गाड़ी जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर के बीच के प्राइस गैप को ख़त्म कर दे, जिसमें बैठकर इंडियन फैमिलीज सेफली ट्रैवल कर सकें। और इस सोच को, इस सपने को रतन जी ने पूरा भी किया। दुनिया की सबसे सस्ती अफोर्डेबल कार बनाकर टाटा नैनो। लेकिन इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, लॉन्च होने के बाद ये गाड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित होने की वजह है सुपर फ्लॉप कैसे हो गई? कारण कई सारे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मार्केट में काम कर रही कुछ कंपनीज ने कॉन्स्पिरेसी करके इस गाड़ी को फ्लॉप करवाया। तो इस वीडियो में मैं इस गाड़ी के फ्लॉप होने के कारणों के साथ साथ इस गाड़ी से जुड़े हुए 10 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होंगे। फर्स्ट पॉइंट, 2008 में न्यू दिल्ली के अंदर होने वाले 9th ऑटो एक्सपो में इस गाड़ी को रिवील किया गया था और साथ ही में टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया था कि इस गाड़ी को 1,00,000 रुपये के अंदर के प्राइस टैग में लॉन्च किया जाएगा। इस अनाउंसमेंट की वजह से कुछ ही दिनों में ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई। बिना पब्लिसिटी किए ही हर कोई टाटा नैनो का नाम जानने लगा और लाखों लोग बेसब्री से इंतज़ार करने लगे कि कब ये लॉन्च हो और कब हम इसे खरीदें। अनवील होने के लगभग 1 साल बाद 2009 में 23 मार्च को इस गाड़ी को इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। ये गाड़ी पूरी दुनिया की ना सिर्फ सबसे सस्ती गाड़ी थी बल्कि भारत की सबसे छोटी गाड़ी भी थी। इसकी लेंथ थी 3164 mm, विड्थ 1750 mm, हाइट 1652 mm और व्हील बेस 2230 mm। सेकंड पॉइंट, जैसा कि टाटा मोटर्स ने उम्मीद की थी, लॉन्च होने के बाद इस गाड़ी को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। 23 मार्च को इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था और 25 अप्रैल तक, मतलब कि लगभग 1 महीने तक, इस गाड़ी की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग्स शुरू थीं। और इसी 1 महीने में टाटा नैनो की ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 करोड़ लोगों ने विजिट किया इस गाड़ी के बारे में जानकारी लेने के लिए, इसको ऑनलाइन बुक करने के लिए। मतलब कि हर दिन लगभग 1,00,000 लोगों ने विजिट किया। इतना ही नहीं, इसी 1 महीने में टाटा के शोरूम्स पर भी 1,400,000 लोग आए इस गाड़ी को देखने और इसको बुक करने। इसी दौरान 2,03,000 नैनो को बुक किया गया, जिसमें से 70% लोगों ने फाइनेंस लिया था और 30% लोगों ने नैनो के कंप्लीट प्राइस को एडवांस में ही पे कर दिया। इस गाड़ी को इतनी ज़्यादा हाइप मिली कि इंडियन मार्केट में अपने पैर जमाई हुई मारुति 800 तक की सेल्स 20% कम हो गई। तो इस डेटा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुरुआत में ये गाड़ी कितनी मशहूर थी, कितनी डिमांड में थी। थर्ड पॉइंट, इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें 2 सिलेंडर 624cc पेट्रोल इंजन दिया जाता था जो 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता था। ये 35 PS पावरफुल था और 48 Nm टॉर्की था। इस इंजन में 25 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता था। ये माइलेज उस समय पर पेट्रोल गाड़ियों में सबसे ज़्यादा माइलेज था। इसके बाद इस गाड़ी में कंपनी फिटेड CNG किट का ऑप्शन भी दिया जाने लगा।
सीएनजी किट पर यह इंजन 32 पीएस पावरफुल था और 45 एनएम टॉर्क की। सीएनजी में 36 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम किया जाता था, जो सबसे ज़्यादा था। और इस गाड़ी की टॉप स्पीड थी 105 किलोमीटर पर आवर। हालांकि इसको 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा चलाने के लिए एडवाइस नहीं किया जाता था। फोर्थ पॉइंट, ये गाड़ी देखने में काफ़ी छोटी लगती थी और थी भी। उस समय की इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मारुति 800 से ये 8% छोटी थी। लेकिन अगर मैं कैबिन में मिलने वाली स्पेस के बारे में बात करूं, तो टाटा नैनो का कैबिन 21% ज़्यादा स्पेशियस था मारुति 800 के कैबिन से। इतना ही नहीं, इस गाड़ी में 180 mm की ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस दी जाती थी, जो कि इंडिया में ज़्यादातर SUVs में ही देखने को मिलती है। इसकी ड्राइवर सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी थी और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी। इसके अंदर बैठने पर ऐसा नहीं लगता था कि किसी चीज़ के अंदर आप ज़बरदस्ती घुस गए हैं। इसका कैबिन काफ़ी ओपन खुला खुलासा था। 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस गाड़ी को दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दे दिया था। इन सारी विशेषताओं के चलते अब तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा टाटा मोटर्स ने सोचा था। लेकिन नैनो की किस्मत में कुछ और ही था। अब बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी फेल कैसे हुई। कुछ कारणों में से पहला कारण है वेटिंग पीरियड। असल में टाटा मोटर्स को उम्मीद थी कि यह गाड़ी एक ब्लॉकबस्टर हिट होगी, इसलिए स्पेशली इस गाड़ी के लिए टाटा ने एक नया प्लांट बनाया सिंगूर में, जो कि कोलकाता के पास है। इस प्लांट को 2006 में ही बना लिया गया था 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन वहाँ के लोकल किसान और पॉलिटिकल लीडर ममता बनर्जी के विद्रोह की वजह से टाटा को अपने प्लांट को शिफ्ट करना पड़ा गुजरात में। इस शिफ्टिंग की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान तो हुआ ही हुआ, और साथ ही में टाटा मोटर्स अपने ग्राहकों को समय पर नैनो की डिलीवरी भी नहीं दे सकी। कस्टमर्स ने कुछ हद तक इंतज़ार करने के बाद में अपनी अपनी बुकिंग्स को कैंसिल करवाना शुरू कर दिया था। अगला कारण, मतलब कि सिक्स्थ पॉइंट है, वैसे तो टाटा मोटर्स ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी है। उन्होंने कहा कि ये एक आम आदमी की गाड़ी है, ये एक पीपल्स कार है। लेकिन पूरी दुनिया ने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने, मीडिया ने, हर किसी ने इस गाड़ी को वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, सस्ती गाड़ी बोल बोल कर इसकी औकात ही गिरा दी। लोगों के दिमाग में बैठ गया कि ये तो गरीबों की गाड़ी है, इसे तो गरीब लोग ही खरीदते हैं। जबकि इंडिया में एक गाड़ी खरीदना स्टेटस सिंबल माना जाता है। यहाँ पर लोग गाड़ी चलाने के लिए नहीं खरीदते, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, परिवार को दिखाने के लिए खरीदते हैं। अब ऐसे में भला कोई ऐसी गाड़ी कैसे खरीद ले जिसका गरीबों की गाड़ी कहकर मजाक उड़ाया जाता है। हाँ, लेकिन अगर इस गाड़ी की मार्केटिंग कुछ अलग तरीके से की जाती, जैसे कि इसे पहली बार इंडिया में लॉन्च करने की बजाय किसी दूसरे देश में लॉन्च किया जाता, फिर इसकी एक हाईफाई इमेज क्रिएट की जाती और फिर इंडिया लाया जाता, तो यही लोग इस गाड़ी को धड़ल्ले से खरीद रहे होते। तीसरा कारण और सेवंथ पॉइंट है कि लोगों ने इस गाड़ी में यूज हुए पार्ट्स की क्वालिटी के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। और ये सवाल उठना तब से शुरू हुए जब कुछ नैनो चलते चलते जल गईं, कुछ नैनो पार्किंग में खड़े खड़े ही उनमें आग लग गई। तो इस तरह की दुर्घटनाओं से लोगों तक ये मैसेज गया कि ये गाड़ी वैसे भी 1 लाख रुपए की तो है ही, इतने सस्ते में क्या मिलता है, इसलिए टाटा वालों ने इसमें बेकार क्वालिटी का सामान यूज़ किया है और इस गाड़ी में आग लग रही है, इसलिए इसे अब नहीं खरीदना है। इसके अलावा टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी गलती ये रही कि इस घटना के रिस्पॉन्स में इन लोगों ने एक सिंगल नैनो को भी रिकॉल नहीं किया। इन लोगों का कहना था कि नैनो की डिज़ाइन में, इसके मॉडल में, क्वालिटी में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्री के कुछ पार्ट्स यूज़ किए गए हैं जो कि चीप क्वालिटी के हैं, जिस वजह से आग लग रही है। अगर टाटा वाले नैनो को रिकॉल करके उस पर्टिकुलर पार्ट को बदल देते, एक अच्छी क्वालिटी के पार्ट से रिप्लेस कर देते, तो जनता तक एक पॉजिटिव मैसेज जाता, लेकिन टाटा मोटर्स ने ऐसा नहीं किया। और ये सच भी था कि इस गाड़ी को कम प्राइसेस में बनाए रखने के लिए कई जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था, जैसे कि इस गाड़ी के टायर्स में 3 बोल्ट मिलते थे जबकि नॉर्मली 4 से 5 मिलते ही मिलते हैं। फ्रंट विंडशील्ड पर सिंगल वाइपर दिया हुआ था। इसका फ्यूल टैंक भी आगे के बोनट में दिया हुआ था, अगर आप भरवाना चाहते हैं तेल तो आपको गाड़ी से उतर कर बोनट खोलना पड़ता था।
12 इंच के पतले टायर्स दिए हुए थे। इस गाड़ी में प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया था और उन्हें जोड़ने के लिए एडहेसिव का इस्तेमाल किया गया था, जो कि सस्ता होता है। शुरुआत में इस गाड़ी में फीचर्स भी काफ़ी कम मिला करते थे। पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर नहीं मिला करता था, जहाँ तक कि पावर स्टीयरिंग भी नहीं थी। चौथा कारण और आठवां पॉइंट, टाटा मोटर्स को भरोसा था कि उन्होंने अच्छी बिल्ड क्वालिटी का इस्तेमाल किया है, इसलिए क्रैश टेस्ट में इनकी गाड़ी 4 स्टार्स तो स्कोर कर ही लेगी। लेकिन जब 2014 में ADAC जर्मनी ने इसका क्रैश टेस्ट किया तो इसने 0 स्टार्स स्कोर किए, क्योंकि इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स के नाम पर कुछ नहीं था। पांचवा कारण और नौवां पॉइंट, इन सारी कमियों के अलावा इस गाड़ी में मिलने वाला 2 सिलेंडर पेट्रोल इंजन कुछ समय चलने के बाद काफ़ी ज़्यादा नॉइस क्रिएट करने लगता था, एक टेम्पू जैसी आवाज़ निकालने लगता था, जिसको देखकर लोगों तक इस गाड़ी की और टाटा मोटर्स की एक नेगेटिव इमेज जाती थी। लोगों को इस गाड़ी की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होने लगे। एक के बाद एक कारण इकट्ठे होते चले गए और लोगों ने इस गाड़ी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। 10th पॉइंट, टाटा मोटर्स ने सिंगूर में जो प्लांट बनाया था उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 2.5 लाख यूनिट्स पर ईयर, लेकिन इस गाड़ी की लॉन्च होने के बाद पूरे इंडिया में टोटल 2,98,011 यूनिट्स ही बिक पाई। 2009 में लॉन्च होने के बाद 2011 और 12 में इसकी सबसे ज़्यादा यूनिट्स बिकी थी 70,000 के ऊपर। 2015 और 16 से इस गाड़ी का सेल्स फिगर नीचे जाने ही लगा। 2017 में तो इसकी सिर्फ 2,585 यूनिट्स बिकी थी, 2018 में सिर्फ 518 यूनिट्स और 2019 में तो आकर हद ही कर दी, सिर्फ 1 नैनो बिकी थी पूरे इंडिया में। टाटा मोटर्स का ये एक इमोशनल प्रोजेक्ट था, इसे वो बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन 2018 में लो डिमांड के चलते उन्होंने इसको बंद करने का फैसला लिया और 2019 में इसके प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और इसी के साथ रतन टाटा जी का सपना टूट गया। लेकिन अगर इस गाड़ी की मार्केटिंग सही तरह से की गई होती, समय रहते इसकी कमियों को दूर कर दिया गया होता, तो ये एक लौती गाड़ी टाटा मोटर्स को काफ़ी आगे ले जा सकती थी, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में भी। हाल फिलहाल टाटा मोटर्स ने अपना काम करने का तरीका, गाड़ियों को बनाने का तरीका बदल दिया है। अब उनकी गाड़ियां इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन लैंग्वेज पर बनती हैं, जिसकी गाड़ियों को मार्केट में काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जैसे कि टियागो और नेक्सॉन। उम्मीद करता हूं कि टाटा मोटर्स इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी, समय के साथ सारी कमियों को दूर करके वापस से इंडियन कस्टमर्स का भरोसा जीत सकेगी। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।